कोरोना काल के बाद राधा वल्लभ इंटर कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने वाले विजेताओं को उपहार भी दिया गया। कोरोना काल के बाद शाहगंज स्थित राधा वल्लभ इंटर कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने वाले विजेताओं को उपहार भी दिए गए। राधा वल्लभ में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स डे के अंतर्गत ये बहुत ही प्रमुख और इम्पोर्टेंट विषय है। इससे क्या होता है कि आपको वर्ष में एक बार खेल जरूर कराते हैं, लेकिन आप कई प्रतिभाएं आपको यहाँ जो उभरती हुई हैं दिख जाती हैं, जिनको आगे अगर अपना कैरियर उनको स्पोर्ट्स बनाना है तो वो यहाँ से उनको प्रोत्साहन मिलता है, फिर आगे बढ़ के वो अपना रास्ता और आगे बढ़ाते हैं और फिर चल के देश प्रदेश का और क्या कहते हैं नाम रोशन करते हैं। रेस में प्रतिभाग लेने वाले छात्र छात्राओं को मेडल व सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कल्चर प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारम्भ सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलन से हुआ। बच्चों का आज वार्षिक खेलकूद का कार्यक्रम चल रहा है। विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के अतिरिक्त अध्ययन के अतिरिक्त अनेक गतिविधियां होती हैं, उनको समय समय पर करवाते रहना चाहिए, जिससे जैसे प्रकृति का नियम है कि बदलाव, बच्चों में बदलाव आता है, इससे उनका पढ़ने में फिर मन लगने लगता है। तो बच्चों की जो भी गतिविधियाँ हैं उनमें खेलकूद गतिविधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वार्षिक खेलो उत्सव में प्रतिद्वंदी एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे थे। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, शॉट पुट, जैवलिन, डिस्कस थ्रो, कुश्ती, हॉकी, लंबी कूद, 100-500 मीटर रेस और रस्सा कस्सी के साथ ही विभिन्न खेल आयोजित हुए। पहले हुआ करता था लेकिन इतने बड़े स्तर पे कभी नहीं हुआ और पिछले 3 वर्षों से कोरोना और इसके कारण कोई भी आयोजन खेलकूद से संबंधित हो नहीं पाया, लेकिन इस बार बड़े रूप से हम लोग ये कर रहे हैं कि आगे के लिए भी ये प्रथा बने कि हर वर्ष हम लोग खेलकूद को और बढ़ावा देते रहें। भैया आज हमने हमारे सारे लेवल्स के कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं, जो जो बच्चे विजेता हुए हैं उन लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और आगे भी किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।